भोजन के अधिकार कानून को अमली जामा पहनाने के लिए केंद्र सरकार बजट सत्र में खाद्य सुरक्षा विधेयक के संशोधित मसौदे को सदन में रखना चाहती है। तमिलनाडु को छोड़कर बाकी राज्यों ने मोटे तौर पर विधेयक का समर्थन किया है, लेकिन अभी भी विधेयक के कई प्रावधानों को लेकर राज्यों की चिंता बनी हुई है। इस बीच केंद्र ने यह साफ कर दिया है कि किसी भी राज्य को पीडीएस के जरिए मिलने वाले मौजूदा अनाज के कोटे में इस विधेयक के लागू होने के बाद कमी नहीं की जाएगी। When the bill is being implemented, it will be beneficial to the states. Financial burden will be less. But we don't want to burden the states more. But actually by this bill, for example, I said in the beginning, I am giving it 5.65 per kilogram for the BPL. And I am going to give it 3 rupees in the bill. They are making a saving on that. राज्यों ने लाभार्थियों के चयन और विधेयक के लागू होने के बाद पूरा खर्च केंद्र सरकार द्वारा ही वहन करने की भी मांग की है। केंद्र ने राज्यों को आश्वस्त किया है कि मसौदे में उनके सुझावों को ध्यान में रखा जाएगा। खाद्य मंत्री केवी थॉमस ने कहा है कि विधेयक के पारित होने के बाद राज्यों को इसे लागू करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। खाद्य सुरक्षा विधेयक पर संसदीय समिति ने अपनी सिफारिश में प्रति व्यक्ति हर महीने 5 किलोग्राम अनाज देने की वकालत की है। इसके दायरे में 75% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी को लाए जाने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा केंद्र सरकार से कृषि के ढांचे को विकसित करने के लिए अधिक धन देने और विपणन तंत्र को मजबूत करने की भी सलाह दी गई है। Our responsibility as a central government is to make available the food grains to the states at a particular place. So that is our duty. Distribution is mainly with the state governments. States want some period, say about 1 year time. States want that we will discuss with the state governments and we can find out a solution. राज्यों को इस बात की छूट भी दी जाने की सलाह संसदीय समिति ने दी है कि वो बिल में प्रस्तावित 2 रुपये प्रति किलो गेहूं और 3 रुपये प्रति किलो चावल से भी सस्ते दर पर अनाज जनता को मुहैया करा सकते हैं और ढुलाई पर आने वाले खर्च की वसूली भी उपभोक्ताओं से कर सकते हैं। गौरतलब है कि सरकार चाहती है कि खाद्य सुरक्षा विधेयक के मद्देनजर राज्य पीडीएस तंत्र को मजबूत करें ताकि भविष्य में भोजन का अधिकार कानून लागू करने में आसानी हो। केंद्र ने कहा है कि वो संशोधित खाद्य सुरक्षा विधेयक के मसौदे में संसदीय समिति की सिफारिशों और राज्य की चिंताओं को ध्यान में रखेगी। यूपीए सरकार की मंशा खाद्य सुरक्षा विधेयक को आगामी बजट सत्र में पारित कराने की है, लेकिन विधेयक के कुछ अहम प्रावधानों को लेकर राज्यों की चिंता अभी भी बरकरार है। ऐसे में देखना यह होगा कि आगामी बजट सत्र में सरकार इस विधेयक को पेश कर पारित कराने में सफल हो पाती है। कैमरामैन मोहम्मद फाजिल के साथ शैलेंद्र मिश्र, DD News, दिल्ली।